दुर्ग शहर से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं एवं लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गजेंद्र के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए गजेंद्र यादव ने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। दुर्ग शहर की जनता बदलाव चाहती है। लगातार एक व्यक्ति जो सिर्फ आश्वासन देता है, दुर्ग शहर में कोई विकास कार्य नहीं करता, उसके खिलाफ आज जनता ने मन बनाए हैं और आज जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की और दूसरी समस्या है नाली की। नाली की निकासी आवश्यक है। नाली के साथ साथ लोगों का अभी भी कवेलू का मकान आपको दिख रहा है, पट्टा नहीं मिला, लोगों को पट्टा दिलाना, उनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाना, ये प्राथमिकता रहेगा।